हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूँ तस्खीर और इस वीडियो के अंदर एक ट्रेलर देखने वाला हूँ मैं, मिसेज एंड मिस्टर शमीम ऑफिशियल ट्रेलर जिंदगी ऑफिशियल। एंड देखिए, स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने पहले भी कहा था कि इस हॉस्टल में लड़के नहीं आएंगे तुम्हें लेने के। सब कमर है मैम, ये आपको कहाँ से लड़का लग रहा है? अबे मैम को हेलो बोल। हेलो जाओ मैम, जाओ। चलो ठीक है, थैंक यू। हॉस्टल है, गर्ल हॉस्टल। अरे तुझे लड़का समझ रही है यार। मेरी सबसे पक्की सहेली कहाँ मर गई थी? शमीम जैसे भाई के होते हुए किसी नाश्ते में देखी क्या जरूरत है तुझे? जरा उस शम्मो को देख। आप भी देखें इन कंजरों को। क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? नहीं, इंसान तो तू है, मगर कैसे कहूँ। अब मुझे समझ में आया, ये स्टोरी पर समझाया। आयशर पहले लगाते हैं। गिरफ्तार थी जो बड़े आराम से मुझे एक हाथ से उठा लेता, फिर उसी सहूलत से उसने मुझे जमीन पे दे मारा। निकल जा इस घर से, तेरा हमारा कोई वास्ता नहीं है। कोई मसला नहीं भैया, आप फिक्र ना करें। दाल में कुछ काला है, बचा ले अपने इकलौते को इस लड़की से। उम्मीद से शादी कर रहा हूँ, बस फैसला कर लिया है। तू क्या है, कभी देखा तूने गौर से खुद को? मीना से शादी करेगा? मरा लावारिस हो गई, लेकिन इतनी भी गई गुजरी नहीं कि तुझसे शादी करूंगी मैं। खुदा नहीं बनना चाह रहा हूँ, मैं दोस्त बनना चाह रहा हूँ फिर से। किसी पर तो भरोसा कर। क्या औरत को ऐसा मर्द चाहिए होता है जो मारे पीटे? मगर हमारा निकाह नामा तुम्हारे लिए सर्टिफिकेट है। कल को बच्चे ने स्कूल जाना है, नाम की जरूरत पड़ी मैं दूंगा ना उसे अपना नाम। किसी और का बच्चा नहीं है, मेरा है। बिल्कुल अपने पापा की तरह हैंडसम है। बड़ी कोशिश कर रहा हूँ खुद को बेहतर बनाने की। कोई जरूरत नहीं बदलने की। क्या कॉन्सेप्ट है यार, जबरदस्त। तुम सब मर्द मर्दानगी से भरपूर मजाक उड़ा रहे थे। तुम मर्द शमीम की जूती के बराबर नहीं। मैं समझती थी इसे क्या पता कि मोहब्बत क्या होती है। कैसी पागल थी मैं, मोहब्बत की जो रंग से ये जानता था उसकी तो अलिफ पे भी नहीं आती थी मुझे। मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की, और एक ये इसने तो मोहब्बत जी। लड़का लड़की की यारी हॉस्टल में लेने जाता है तो बोलती है लड़का अलाउड नहीं है, लेकिन वो मतलब सब दुनिया यही मानती है उस आदमी के इर्द गिर्द जो लड़का है कहने के लिए, लेकिन लड़कों जैसा उसका मतलब बिहेवियर नहीं है, इनर अपने अंदर से वो लड़का नहीं है। तो वो सारी चीज़ें मतलब मुझे समझ में आई थोड़ी देर बाद कि इसको लड़का क्यों नहीं मान रहे हैं यार। शुरू में तो ऐसे ही लग रहा था, लेकिन बाद में समझ में आया कि आखिर कॉन्सेप्ट इसका है क्या। वो लड़का जो दोस्त होता है लड़की का, उसको लेने जा रहा है, उसके साथ घूमता है, लेकिन एक जो मर्द बनता है, मतलब एक फेमिनिज्म आप इसको कह सकते हैं इसके अंदर, लेकिन कंसेप्ट सही है, रियलिटी दिखाई है। एक मर्द जो बनने की कोशिश करता है, मारता पीटता है औरतों को, उससे लड़ाई है, उससे अलग होकर उसके घर वाले निकाल देते हैं लड़की को। उसके बाद वो बंदा जो लड़का होकर लड़का नहीं है, मतलब दूसरों की नज़रों में लोग उसे समझते हैं मतलब बहुत ही ढीला ढाला सा, लड़कियों जैसा, उसका नेचर, उसकी आवाज़, उसकी पसंद, ये सब कुछ उसका लड़कियों जैसा है, तो वो ही काम आता है लास्ट में। वो मदद करता है कि मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तुझसे शादी करूँगा, तेरे बच्चे को, तेरे मेरे बच्चे को जो होने वाले हैं उनको नाम कौन देगा, मैं दूंगा नाम, मेरा बच्चा ये। तो इस तरह से सीन होता है, लेकिन यार इमोशनल सीन सबसे ज़्यादा तब आया जब वो अपने बाप के लिपस्टिक लगाता होता है। आप सोच सकते हैं कि ऐसे सीन होते होंगे तो अगर आपके कोई लगा दे, आप तो ठीक ठाक हो, चलो आपका नेचर ठीक है, आप मर्द हो, तो आपके कोई लिपस्टिक लगाए या फिर ऐसे करके आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। उस बंदे को नहीं होती है, क्योंकि उसका नेचर अंदर से वैसा है। ये सीन दिखाया गया है इसमें कि मतलब ढीला ढाला है, लेकिन है आदमी वो, तो डुअल नेचर, बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लेन करने के लिए। अब वो कहता है कि नहीं मैं पापा जैसा नहीं हूँ, वो कहती है बाप जैसे, बाप पर गया है, कहता है नहीं मैं पापा जैसे नहीं हूँ, पापा बहुत पैसे हैं, मतलब इसने एक वर्ड यूज़ किया था कि उस टाइप के हैं। तो
तो यार क्या फील होता होगा यार ऐसे मुकाम पर। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया है कि वो मर्द जो है ढीला ढाला वाला वो मर्दों को पसंद कर रहा है या फिर कुछ वो गे टाइप वाला कुछ इसमें दिखाया नहीं है। मुझे तो देखने को मतलब मुझे तो नहीं दिखा इसमें। बाकी कुछ ढीलापन होता है कुछ मर्दों में, तो शायद गे वाला नहीं हो या फिर कुछ और हो। तो स्टोरी और कंसेप्ट इसका बहुत ज़बरदस्त है, एक्टिंग बहुत ही तगड़ी है इसमें। सबा कमर एंड इनका नाम जो भी है, इन्हें मैंने देखा है सीरियल्स में, ड्रामा में पाकिस्तान के, तो एक डिफरेंट स्टोरी है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपके क्या व्यूज़ हैं इस पूरे ट्रेलर जो हमने देखा है अभी इसके बारे में। आप क्या कहेंगे इस कंसेप्ट को उठाकर एक मूवी बनाना या फिर कुछ वेब सीरीज़ बनाकर तैयार करना, लोगों तक पहुंचाना सही है या गलत है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।